साल 2020 सियासत के माहिर खिलाड़ियों के लिए राजयोग लेकर आया, तो खेल के खिलाड़ियों के लिए विजय योग। अपनी अपनी लड़ाई जो जीते वो सिकंदर कहलाए, नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान और अशोक गहलोत वो चेहरे हैं जो सियासत में अपनी अपनी लड़ाई लड़े और जीते। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की दौड़ में फर्स्ट आए। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने 7वीं बार शपथ ली। हालांकि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर रही, लेकिन कुर्सी की दौड़ में वो पहले पायदान पर रहे। साल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव 2020 मैच की तरह रोमांचक हुआ। ऐसा नहीं लग रहा था कि नीतीश कुमार सत्ता में वापसी कर सकेंगे। एग्जिट पोल के अनुमानों ने तो नीतीश कुमार सरकार का बोरिया बिस्तर ही समेट दिया था। खुद नीतीश कुमार की भी बॉडी लैंग्वेज चुनावी रैलियों में पहले जैसी नहीं थी। कहीं नाराजगी तो कहीं गुस्सा उनके व्यवहार में झलकने लगा था, जिसका आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भरपूर फायदा उठा रहे थे। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। लेकिन बीजेपी के भाग्य से एक बार फिर जेडीयू का छींका फूटा। एनडीए की सरकार फिर से बनी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री। अंत भला तो सब भला। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ऐसा सोच सकते हैं। इसकी वजह एकदम साफ और सरल है। 15 साल से वो मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर काबिज थे। कुछ समय के लिए जनता ने उन्हें आराम करने के लिए ब्रेक दे दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी चौथी बार लगातार सरकार नहीं बना सकी, कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ पहली दफे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 15 साल के वनवास के बाद शायद कांग्रेस का अज्ञातवास होना भी बाकी था। यही वजह थी कि सत्ता में आने के बावजूद कांग्रेस में बगावत हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। अल्पमत में आने से कमलनाथ सरकार गिर गई और कांग्रेस अज्ञातवास में चली गई। शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद हुए उपचुनावों में बीजेपी ने फिर से बाजी जीती और अगले 5 साल के लिए मध्य प्रदेश में शिवराज फिर महाराज हो गए। यूं ही नहीं कोई अशोक गहलोत बन जाता है। युवा सचिन पायलट ने कोशिश जरूर की अशोक गहलोत बनने की, लेकिन जिस जादू की जरूरत थी वैसी हाथ की सफाई नहीं दिखा सके। यही वजह रही कि राजस्थान में एक बार फिर अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस का हाथ सुरक्षित है। दरअसल मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में बगावत के बाद राजस्थान में भी बगावत के सुर उठे। सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस कदर नाराज हुए कि लगा राजस्थान सरकार अब गिरी तब गिरी। सचिन पायलट अपने विधायक समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ने का भी मन बना चुके थे। राजस्थान का सियासी संकट गहरा चुका था। गहलोत खुलकर फ्रंट पर आ गए और बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाकर हमलावर हो चुके थे। गहलोत ने पहले राज्यपाल कलराज मिश्र पर कई सियासी हमले किए, साथ ही बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने विधायकों में से एक को भी टूटने नहीं दिया, भले ही उन्हें रिजॉर्ट लेकर घूमना क्यों ना पड़ा। लेकिन बगावत का झंडा उठाने वाले सचिन पायलट मध्य प्रदेश की पटकथा लिखने की हिम्मत नहीं जुटा सके। राहुल प्रियंका से दिल्ली में मुलाकात कर उनकी घर वापसी हो गई, जिससे राजस्थान का सियासी संकट समाप्त हो गया। अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में फिर कामयाब रहे। 69 साल के गहलोत अपने सियासी अनुभव से युवा सचिन पायलट पर भारी पड़े और सियासी लड़ाई जीत कर सिकंदर बने। रोहित एक बार फिर चैंपियन। मुंबई इंडियंस
आईपीएल सीजन 13 की चैंपियन बनी, मुंबई इंडियंस का सिर्फ जीत का सहरा पांचवी बार बंधा। लेकिन यह कमाल हुआ टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा की कप्तानी में। रोहित ने फाइनल में कप्तानी पारी खेली, मुंबई इंडियंस ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। मुंबई इंडियंस को पांच बार आईपीएल चैंपियन बनाकर रोहित इस लीग के सबसे कामयाब कप्तान साबित हुए हैं। रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी अब तक एक भी बार फाइनल मैच नहीं हारा है।